good morning students today our topic is teeth and its care students you know every living things need food and the human beings have a complex system to digest it the digestion of food starts in mouth where the teeth help us to digestion the food now our first topic is teeth teeth are white hard bony structure दे फिक्सड इन जोज फंक्शंस ऑफ टीथ टीथ गिव शेप टू अवर फेस टीथ क्या कहते हैं हमारे फेस को शेप देते हैं जैसे आपके दादा दादी हैं आपने उनका फेस देखा है उनके टीथ नहीं है तो उनका फेस कैसे लगता है चिपका हुआ सा लगता है बट आपके या आपके मम्मा पापा के अच्छे टीथ हैं हेल्थी टीथ हैं तो कैसे लगता है आपका फेस हेल्थी लगता है ना सो so, जो टीथ है वो हमारे फेस को क्या देते हैं एक अच्छी सी शेप देते हैं टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली टीथ हमें बोलने में हमारी हेल्प करते हैं टीथ हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यू द फूड टीथ क्या करते हैं हमारे फूड को बाइट करने में और च्यू करने में हेल्प करते हैं सेट्स ऑफ टीथ देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ फर्स्ट वन इज temporary teeth they are also known as milk teeth they appear after the age of 6 months temporary teeth are 20 in number we also call temporary teeth as a milk teeth hum temporary teeth ko milk teeth bhi kehte hain They appear, वो हमें कब दिखाई देते हैं सिक्स months की age के बाद हमें दिखाई देने लगते हैं Temporary teeth आर इन ट्वेंटी इन नंबर टोटल कितने होते हैं टेम्प्रेरी टीथ ट्वेंटी होते हैं नेक्स्ट इज परमानेंट टीथ दीज टीथ आर ऑल्सो कोल्ड एडल्ट टीथ दे अपियर आफ्टर द एज ऑफ सिक्स ईयर्स परमानेंट टीथ आर ट्वेंटी इन नंबर मीन्स जो परमानेंट टीथ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एडल्ट टीथ कहते हैं और ये हमें कब दिखते हैं ये हमें सिक्स ईयर की एज के बाद दिखाई देते हैं और परमानेंट टीथ कितने होते हैं थर्टी टू होते हैं टोटल नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ आ टूथ हैज थ्री पार्ट्स टूथ के कितने पार्ट्स होते हैं थ्री पार्ट्स होते हैं फर्स्ट वन इज क्राउन सेकेंड वन इज नेक एंड थर्ड वन इज़ रूट सो क्राउन इज अ दैट पार्ट वेयर वी सी विच इज़ इन वाइट इन कलर जो वाइट कलर का पार्ट हमें अपने टीथ का दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड क्राउन and the neck is the gums where a line that is called neck और जो root होता है वो root हमारे gums के अंदर होता है इस वजह से वो हमें क्या होता है दिखाई नहीं देता that part is called root this is a three parts of tooth now next is if we cut a tooth in two halves अगर हम अपने teeth को दो part में divide कर देते हैं तो हमें वी सी आ वेरियस पार्ट्स हमें उसके अलग अलग और पार्ट्स भी दिखाई देते हैं दैट इज ऑल्सो कोल्ड लेयर फर्स्ट वन इज इनेमल देयर इज अ हार्ड सब्सटांस दैट इज कॉल्ड इनेमल सेकेंड वन इज डेंटाइन एंड थर्ड वन इज पल्प इनेमल इनेमल इज आउटर वाइट एंड हार्ड लेयर दैट इज कॉल्ड इनेमल एंड डेंटाइन डेंटाइन इज अ हार्ड लेयर बिलो द इनेमल ये इनेमल से नेक्स्ट होती है एंड इट इज ऑल्सो कोल्ड डेंटाइन थर्ड वन इज पल्प पल्प इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ इट इज वेरी सॉफ्ट एंड देयर इज फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स